करते हैं माँ जी को प्रणाम, और महारानी के मंदिर में सुबह मिलेंगे। अब माँ को भी ये कहेंगे कि माँ हमारा सुबह आने का इंतज़ार करना, हम सुबह ज़रूर आकर आपके चरणों में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आरती भेंट करेंगे और कुछ गीता ज्ञान के श्लोक सुनाएंगे, जरूर हम सुबह आके फिर आपके चरणों में दोबारा हाजिर होंगे। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों अब टाइम हुआ हमारा घर निकलने का, तो अब हमने अपनी पूजा पाठ कर ली हुई है और माता रानी आप हमारे साथ, मैं माता रानी को यही कहूंगा कि माता रानी आप हमारे साथ चलो अपने घर, और आप भी हमारे साथ चलो, फिर इस मंडप पे आके बैठेंगे और माता रानी के नाम जपेंगे, महारानी के जयकारे बोलेंगे। तो दोस्तों अब ऑफिस से हुई छुट्टी और घर निकलने की में, तो चलिए एक बार आपको घर नहीं जाना है, कब जाना है टाइम से आया करो सुबह और टाइम से चल पड़ा करो, जैसे हम जय माता की बोलो और चलो घर चलते हैं। टाइम पे आए या फिर टाइम के बाद भी आए, जाना और काम हमारा ऐसे ही है। अच्छा काम ऐसे चल रहा है आपका, मतलब हमारा काम है सारे सेल्स देख के सबकी रिपोर्ट करके फिर हमने। अच्छा तो आप जरा उठ के बात करेंगे। जरूर सर जरूर, हम आपसे उठ के बात करेंगे, आपसे अभी बात चलो करेंगे। अभी महाराज को पूजा पाठ हो गया है। अच्छा जी, महारानी को हमने मत्था टेक लिया है और महारानी से हमने इजाजत भी ली है और साथ में ये भी कहा है कि अगर माता रानी आप भी चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ चलो। हाँ। सुबह दोबारा फिर यहीं इसी जगह पे हाजिर हो जाएंगे और सुबह यहीं मत्था टेकेंगे, बैठेंगे और फिर इसी गुणगान इसी के माता रानी के इसी महान भवन में गुणगान गाएंगे। तो चाहता हूँ कि साथ, तो मैं चाह रहा था कि आप भी साथ चल पड़ते। चलो जी करो करो, आपका कुछ मेरा काम भी पड़ा है, अब पेंडिंग पड़ा काम, तो आप कर लो। माता रानी बहुत बहुत जल्दी जल्दी आपका काम भी करेगी और अच्छी तरक्की देगी और ऊपर ऊंचे वाले पद पे ले आएगी, जो ऊपर वाले उससे ऊपर जाएंगे आप उसके ऊपर जाएंगे। और हम चलते हैं अभी घर, आप सबसे चाहते हैं विदाई। तो जय माता दी, सुबह मिलेंगे इसी जगह पर। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों अब ऐसे था कि हमें ऑफिस से छुट्टी हो गई थी और हमने सोचा कि अभी चलो आखिर में एक दो मित्र हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं तो उनको भी कह दें कि घर जाने के लिए। बाकी माता रानी से तो परमिशन हमने ले ली है, माता रानी जी से भी कह दिया कि माता रानी आप भी हमारे साथ चलिए, हमारा अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना ही अकेले जाना चाहते हैं। तो माता रानी फिर एक बार आपके चरणों में हाजिर हूँ और माता रानी आपसे यही कहूँगा कि माँ हमेशा सायावन के साथ रहो और हमेशा साथ चलो, और जब भी हम जहाँ भी चलते हैं माता अगर कहीं गलती से हम आपको नहीं बोल पाते हैं किसी वजह से या किसी जल्दबाजी में, जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए पर अगर कोई जल्दबाजी से भी हम निकल पड़ते हैं यहाँ से तो हमारी गलतियाँ बच्चे समझकर माफ़ करना। पर हमारा आपको आपको हमेशा के लिए निमंत्रण है कि आप हम जहाँ भी चलें जैसे भी चलें जिस स्थिति में भी हों तो माता रानी आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जाएँ और आप हमेशा हमारे संग